कि आप सभी को श्री राम जी के जीवन की लीलाएं अच्छी लगी। Thank you.
संसार के साथ
हो रहा है और उसके स्मरण मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। मैंने देखा एक वानर समुद्र नाम कर लंका पर पहुंच गया है और पूरी लंका को जला डाला है। रावण की सारी सेनाओं की शक्ति छिन्न कर दी है और राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्र धारण किए सीता के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और लंकेश सिर मुड़ाकर तेल में नहाए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी यमुना की ओर जा रहा है। उसकी 300 भुजाएं कटी हुई है। लंका का राजा वन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बता दिया है। पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। पुत्री वो जय जयकार। मेरा अनुभव कहता है कि प्रातः काल का सपना अवश्य सच होता है। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि ये सपना कुछ ही दिनों में सच होने वाला है। कल्पना करो कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी सीता से तुम सबका हाल पूछेंगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तुम सबका कल्याण किसी में है पुत्री कि तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांग लो। हमें क्षमा कर दो देवी, हम तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमें क्षमा कर दो देवी, मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता मां। अब तुम सब जाओ, इन्हें सताना छोड़ो। ये ले।
मेरे भाई और मेरे पुत्र को मारा है, आज मेरे हाथों उनका काल आया है। अरे मैं तो वो रावण हूँ जिसका आगे देवता भी कर चुकाते हैं। कहाँ है राम, कहाँ है राम? मैं हूँ राम, आज मैं तेरा नाश कर दूंगा। तू ही अपने भाई और अपने बेटों की मृत्यु का कारण है। तूने ही सारे देवी देवताओं की शक्तियों को नाश कर रखा है। आज मैं तेरा नाश कर दूंगा रावण। अरे सन्यासी, तू इतना भी नहीं चाहता, ये तो वो भूमि है, ये रणभूमि है, जब बातों से नहीं जब शस्त्र से काम चलता है। और तू विभीषण का भेदी, पहले मैं तुझे ही मारता हूँ। दिवाली की